हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती, यूपी पुलिस में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई हुई है और आज हम जानेंगे कि यूपी पुलिस भर्ती में कितनी पोस्ट निकली हुई है, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, इसकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, इसकी आवेदन शुल्क, योग्यता परीक्षा पैटर्न सहित संपूर्ण जानकारी आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यूपी की में से टोटल 52,699 यानी 53,000 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती। यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती, आज तक यूपी में इतनी बड़ी भर्ती निकल के नहीं आई हुई है। इसमें से सिपाही होंगे, कॉन्स्टेबल होंगे और अन्य सभी महिलाएँ पुरुषों दोनों इस भर्ती में भर्ती फॉर्म को भर सकते हैं। 25,00,000 आवेदन आने की उम्मीद है। इस भर्ती में से टोटल 25,00,000 आवेदन आने की उम्मीद है। सीधी भर्ती के लिए करीब 25,00,000 आवेदन आने की उम्मीद है। इससे पहले सिपाही भर्ती की परीक्षा में भी 23,00,000 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। इस बार अधिक पदों की वजह से ज़्यादा अभ्यर्थी के शामिल होने की उम्मीद है। पिछली बार जो निकली हुई थी उसमें 25,00,000 आवेदन आने की उम्मीद है। 25,00,000 लग रहा है कि नहीं, इसमें से 25,00,000 आदमी लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन भर्ती अधिक होने के कारण 23,00,000 अभ्यर्थी जो है आवेदन कर चुके हैं। इस बार अधिक पदों की वजह से अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद अधिक है। जिस हिसाब से भर्ती निकल के आई हुई है उसी हिसाब से पोस्ट उम्मीदवार जो है वो आवेदन करने की संभावना बहुत अधिक बढ़ चुकी है। और इसकी जो आयु सीमा है वो 18 से लेकर 45 साल है, 18 से लेकर 30 साल तक इसकी आयु सीमा दी गई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी